योमपी, योमपी, YOMPI, योमपी। परमेश्वर आपके घरों में आशीष दे रहा है, आपके बच्चों को आज से लोग है वो मसीह यीशु को नहीं जानते, लेकिन मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह को जानेंगे। यीशु मसीह टू रीटू, RITU, रीटू। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, आपके घरों में भी प्रकार की समस्याएं कार्य कर रही है। सुरेश कर्ज में डूबा हूँ, दिनेश, ओ हालेलुया, PRLSTKJI। परमेश्वर इन सबों को आज से पंजाब से लुधियाना से और जो मुझे देख रहे हैं गुजरात से, जबलपुर से, इंदौर से, भोपाल से, छत्तीसगढ़ से और जो देख रहे हैं राजस्थान से, यूपी से, पटना से और यूके से, कनाडा से और इससे खरे, परमेश्वर आपके कामों को सब, आपके माता पिता का नौकरी है और आपको मिलने वाली है लेकिन मिल नहीं पा रहा है, रुकावटें बधाएं आ रही है। मैं कह रहा हूँ 2024 से परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। और विनोद अरविंद ओरिटा जीवन में एक बड़ी आशा को भेज रहा है। डॉली, डॉली कल्पना जो मुझे झारखंड से और गुमला से देख रहे हैं, जमशेदपुर से देख रहे हैं, परमेश्वर आप लोगों के लिए आरिशाय क्रम प्रकट कर रहा है। हालेलुया, 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 रिमारा सिखा रबा रिक्तम जयम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए, बीमार चंगे हो जाए, चिंताएं परेशानी समस्याएं दुख निराशाएं सब यीशु के नाम में बाहर जा रही, यीशु के नाम में आशीषित हो जाए और आपकी महिमा इनके मध्य में प्रकट हो जाए। आमेन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की जय। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस भोर की प्रार्थना के सभा में और जितने लोग विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, प्रभु उन्हें अपनी आशीषों से भरने जा रहा है। हालेलुया, हम विश्वास करें हमारा परमेश्वर हमारी ओर है और वो हमें बेस्ट और अच्छी वस्तुएं हमारे जीवन में देना चाहता है। यशायाह 48 अध्याय के जब उसके 17 वचन को देखेंगे तो यहाँ पास हम पाते हैं अपने लोगों के लिए परमेश्वर की योजना। हालेलुया, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक योजना बना के रखी है जो सही समय आने पर आपके जीवन में लागू होगी। 17 वचन, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है वह यो कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। हालेलुया, मैं ही तेरा यहोवा हूँ, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। परमेश्वर जो हमारे जीवन में करता है मेरे पियो, हमारी भलाई उसमें छिपी होती है क्योंकि विश्वासियों के लिए, मसीह लोगों के लिए हर एक बातें भलाई को ही उत्पन्न करती है। इसीलिए हमारे जीवन में चाहे जो कुछ भी हो, हर एक बातें प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में रखा जाए और हर एक बातों के लिए हम पिता का धन्यवाद दें। आगे कहता है, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। हालेलुया, भला होगा जब तू उसकी आज्ञाओं को ध्यान से सुनेगा और तू उसके वचन के अनुसार चलेगा, उस वचन को अपने जीवन में लागू करेगा तो तेरा भला ही होगा, तेरा अच्छा ही होगा। हालेलुया, आगे कहता है, तब तेरी शांति नदी के समान, जब तू उसकी आज्ञाओं को सुनेगा और उस पर चलेगा, तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता, तेरा वंश बालू के किन्नों के तुल्य होता और तेरे निजी संतान उसके कणों के समान होती, उसका नाम मेरे सम्मुख से ना कभी कटा और ना मिटाया जाता। अगर प्रभु के वचन से तुम फिर गए, वचन से भटक गए तो परमेश्वर कहता है तेरा नाम मेरे सम्मुख से मिटाया जाता है और काटा जाता है। जीवन के पुस्तक में नाम लिखा जा चुका है, याद रखिए जो लिखने, जिसके लिखने का अधिकार है उसे काटने का भी अधिकार है। अगर आप प्रभु के पीछे चलेंगे, आज्ञाओं को पालेंगे, आपकी आशीषें आपकी संतानों के ऊपर आएगी, आपके कुटुंब आपके परिवारों में प्रकट होगी। कब होगी? जब तू उसकी आज्ञाओं पे चलेगा, जब तू पापों से, विचारों से दूर रहकर प्रभु के पीछे चलेगा और उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करेगा, तेरा संतान, तेरा परिवार, तेरा घर सब आशीषों से भर जाएगा। हालेलुया, हम विश्वास करें
हमारे परमेश्वर हमारे लिए अरिशय क्रम करेगा। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं, अपने हाथों को उठाएं और विश्वास के साथ प्रार्थना में शामिल हो जाए। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में पिता, हर एक भाई बहनों को हर एक जनों को हम आशीष करते हैं पिता, हर एक को अपनी आंसुओं से भर दीजिए पिता। आज की सुबह इनके सारे कामों के ऊपर, सारे पिता कामों में पिता इनके जीवन में अपनी आंसुओं को प्रकट कीजिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता आज की यह सुबह के लिए पिता। दिन भर कार्य अगुवाई करें, आने जाने में सहायता करें, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान करें पिता। और जो भी रास्ते बंद है पिता, इनके रास्ते आपके नाम से खुल जाए, इनके बंधन टूट जाए, चिंता परेशानी दुख दर्द सब इनके जीवन से बाहर निकलने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए पिता। जो भी पिता अंधकार की आत्माओं में, नशे की आत्माओं में, बुरी आत्माओं में घिरे हुए हैं, उन सबों से ये आजाद हो जाए पिता। हर एक अंधकार की आत्मा, नशे की आत्मा इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। इनके परिवार के लोग, घर के लोग आंसुओं से भर जाए। जो भी बंधन है पिता, वो सारे बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। यस मेरे पियो, परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ रहा है, आपके रास्ते को खोल रहा है। चिंता और परेशानी से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। उसने कहा, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? घर की चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में डालो, विश्वास करो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घरों में अरिशय क्रमों को प्रकट करने जा रहा है पिता। इनके घर परिवार को हम आपके नाम से आशीष करते हैं, आपकी महिमा इनके जीवन में, इनके घरों में प्रकट होने पाए पिता। घर में जो भी समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो चिंताएं, वो सब बाहर निकलने पाए। घर की आर्थिक तंगियां दूर हो जाए, पैसे की समस्याएं दूर हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए पिता। स्वर्ग की आंसुओं से आशीषित हो जाए, इनके सारे काम सफल हो जाए, इनकी जंजीरें टूटने पाए, जीवन में जो बंधन है वो बंधन टूटने पाए पिता और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। हर प्रकार की चिंता परेशानी दुख दर्द इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। हम आपके नाम से इनके घर परिवार को आशीष करते हैं पिता, आपकी महिमा इनके मध्य में प्रकट हो जाए, इनके रास्ते खुल जाए, इनके बंधन टूटने पाए, चिंता परेशानी दुख दर्दों से आजाद हो जाए पिता और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। इनके बिगड़े हालात बदल जाए, बिगड़ी परिस्थितियां बदल जाए पिता। मेरे पियो, अभी परिस्थितियां आपके विपरीत ही लग रही हो, अभी लग रहा है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन विश्वास कर, प्रार्थना कर, ओह उस हालात को परमेश्वर बदल रहा है, तेरी बिगड़ी हुई परिस्थितियों को परमेश्वर बदल रहा है और तेरे घरों में आनंद आशीष से और सुख और शांति आ रहा है पिता। इनके घर परिवार को मैं आशीष करता हूँ, इनकी घर की जंजीरें टूटने पाए, बंधन टूटने पाए, मार खुलने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट हो जाए पिता। इनके घर, इनके परिवार के लोग आंसुओं से भर जाए, अंधकार की आत्माओं से, नशे की आत्माओं से, बुरी आत्माओं से आजाद हो जाए। इनके हृदय, इनके मन के ऊपर आपका कब्जा होने पाए पिता और आपकी महिमा इनके मध्य में प्रकट होने पाए। हर एक हृदय मन फर फिर जाए पिता, दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा के बंधन से आजादी मिलने पाए। ओ ऋषिक रेवे रेखम जयम रेखम जयम। ओ समस्याएं पहाड़ जैसे क्यों ना हो, ओ छिटी के समान बनने जा रही है आपके जीवन में। ओ पहाड़ जी, समस्याओं को मैं इनके जीवन से निकलने की घोषणा करता हूँ। इनकी पहाड़ जी समस्या इनके जीवन से बाहर निकलने पाए, इनके जंजीरें टूटने पाए, इनके बंधन टूटने पाए। ओ पिता, समुद्र में से मार्ग आप इनके जीवन में बना कर देने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। यस मेरे पियो, ओ जीवन के रास्ते बंद है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, पहाड़ जी समस्याएं आगे खड़ी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ पहाड़ जैसे समस्याएं आपके जीवन से निकल रही है। समुद्र आगे खड़ा है, रास्ता दिख नहीं रहा है, परमेश्वर उस समुद्र में से रास्ता आपको बना रहा है। यह सो रास्ते जो बंद है परमेश्वर खोलने जा रहा है आपके जीवन में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम ही आशीषित हो जाए। इनके बंधन टूटे, मार खुले, चिंता परेशानियां सब इनके जीवन से बाहर निकलने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट हो जाए, स्वर्गीय ब्लेसिंग से ये ब्लेस हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। ओ रिशिखराबा रेखम जयम रेखम जयम। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ, हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए, इनके काम सफल हो जाए, बीमार लोग चंगे हो जाए, बीमार लोग चंगे हो जाए। आए मेरे पियो,
विश्वास के साथ प्रार्थना करें। बीमारियां छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, बीमारियां चाहे किसी प्रकार की क्यों ना हो, यीशु के नाम में ओहो रिस से खिर भी उद्धार है, यीशु के नाम में छुटकारा है और हर प्रकार की बीमारी के बंधन से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। आप दुनिया कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे, किसी गांव के सर किसी कस्बे में रहकर आप प्रार्थना को देख रहे हैं, स्वर्ग का परमेश्वर आपको सीपा और चंगाई देने जा रहा है। इसी समय मिरेकल हो जाए, इसी समय आरिशाई क्रम प्रकट हो जाए, हर प्रकार की मारी, हर प्रकार की दुख दर्द इनके जीवन से दूर होने पाए। ये दुनिया कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे पिता, अपनी आंसुओं से आप इन्हें भर दीजिए, ये सीपा पाने पाए, ये चंगाई पाने पाए, ये बल पे बल प्राप्त करते जाए, सारी कमजोरियां वीकनेस इनके शरीर से दूर हो जाए, हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, कमजोरियां वीकनेस बाहर जाए, जो बैक पेन है पिता, टखनों में दर्द है, ये सारे दर्द से ये आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए। इसी समय पिता हम आपके नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं। विश्वास करें, यीशु नाम ही काफी है उस बीमारी से आपको बाहर निकालने के लिए। ओ हालेलुया, यीशु हमारे खातिर कलवरी क्रूस पर चढ़ गया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। यस यस यस, अपने मुंह से इनकार करें, मैं यीशु कोड़े खाने चंगे हो चुकी हूँ। पिता जो बीमारी, ओ पिता ब्लैक मैजिक कराल जादू की तरह इनके जीवन में फेंका गया है, इनके घरों में फेंका गया है, उस बीमारी को मैं यीशु के नाम में नाश करता हूँ। उस बीमारी के बंधन से इसी समय आजाद हो जाए, इसी समय बीमारियां इनके शरीर से बाहर निकलने पाए। ओ रे सिख रे वे हालेलुया, हर प्रकार की बीमारी की बंधन से आजाद हो जाए। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन करना है आने वाले दिनों में, उस ऑपरेशन को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम में। रिपोर्ट कार्ड बदल जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, असंभव संभव परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, लेकिन जीवित परमेश्वर का जवाब, सृष्टि बनाने वाला परमेश्वर का जवाब अभी आना बाक्री है। मिरेकल होंगे, आरिशाई क्रम प्रकट होंगे, बीमारी की बंधन से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। बीमारी की जंजीर तुम्हारे जीवन से बाहर निकल रही है, हर प्रकार की बीमारियां तुम्हारे शरीर से इस समय गायब हो जाए, इसी समय मिरेकल हो जाए, आरिशाई क्रम प्रकट हो जाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम ये चंगे हो जाए। टीबी के रोगी बीमारी बाहर निकलने पर टीबी के रोगी चंगे हो जाए, पाइल्स की बीमारियां बाहर जाए, लकवे के रोगी पैलस के रोगी चंगे हो जाए और आपकी सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए, ये बल पे बल प्राप्त करते जाए, खून की कमियां दूर हो जाए। ओ रिस सिख झुनझुनी कंपन मिर्गी झट पे बीमारियां बाहर जाए, गले की समस्याएं पिता बाहर निकलने पाए, मोतियाबिंद सर्वाइकल बाहर जाए, सीने का दर्द यीशु के नाम में गायब हो जाए, ब्लॉकेज ओपन हो जाए, पेट संबंधी बीमारियां सब बाहर जाए, रसोली पत्री गिल्टियां गांठे बाहर निकलने पाए और इसी समय मिरेकल हो जाए, हर प्रकार की बीमारी इनके शरीर से बाहर निकलने पाए। बीमारियां छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, सब यीशु के नाम में बाहर जाए। ओ रे सेखरे वे, शराब के जंजीरें टूट जाए, मेरे पियो अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करें, अपने पापों का अंगीकार करें, यीशु मसीह आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र करेगा और आपको उद्धार देगा, आपको छुटकारा देगा और आपको अंत जीवन पर प्रवेश कराएगा। शराब की जंजीरें यीशु के नाम में टूटेगी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी चली आ रही है वो समाप्त हो जाएगी, आने वाली पीढ़ी आपकी पीढ़ी आशीषों को पाएगी। यस यस यस, मामा रामा सिका राबा उला रिका राबा रिक्तम जयम। जंजीरें टूट जाए, बीमारी की जंजीरें टूट जाए, हर एक बीमारी की बंधन से आजाद हो जाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। अपने हृदय अपने मन को प्रभु की ओर लगाए। यस 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 यस, ओ हालेलुया हालेलुया, वही चंगा करने वाला परमेश्वर है, वही अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। ओ हालेलुया, आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। उद्धार पाना है तो अपने पापों का अंगीकार यीशु मसीह के सामने करना पड़ेगा। यस हालेलुया, ओ इसी समय ये चंगे हो जाए पिता, हर प्रकार की बीमारियां इनके शरीर से बाहर जाए, झुंझुनी कंपन मिर्गी झट की बीमारियां बाहर जाए, थायराइड की बीमारियां बाहर निकलने पाए, जो पिता पैरों में समस्याएं हैं, नसों में दर्द है, सब बाहर निकलने पाए, कमजोरियां वीकनेस बाहर जाए और यीशु के नाम ये चंगे हो जाए, यीशु के नाम ये चंगे हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में इसी समय प्रवाहित हो जाए पिता। ओ हालेलुया हालेलुया, बीमारियां तुम्हारे शरीर से निकल रही है, ओ अद्भुत कार्य प्रकट हो रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड बदल रहा है, जो बिस्तर पर लेटे हैं
पिता वो खड़े हो जाए और चलने पाए फिरने पाए और आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए। पिता हम प्रार्थना करते जो छोटे बच्चे पिता बोल नहीं पा रहे चल नहीं पा रहे उनको अपनी चंगाई से भर दीजिए पिता, उनके पैरों में सामर्थ आ जाए, उनके गले में सामर्थ आ जाए, वो पिता सुनने पाए बोलने पाए और आपकी महिमा करने वाली हो जाए। यस मेरे प्यो विश्वास करें आपके घरों में जो बीमार लोग हैं वो चंगे हो रहे हैं, वो चंगे हो रहे हैं, यीशु के नाम में चंगाई आपकी है। इसी समय पिता हम आपके नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं, आपने सिफा चंगाई दिया, हर एक बीमारी की बंधन से आपने आजाद किया, हम धन्यवाद करते हैं। ओ रिसिखे रेबी रेकम जयम रेकम जयम यूम्पी यूम्पी वाई ओ एम पी आई यूम्पी परमेश्वर आपके घरों में आशीष दे रहा है, आपके बच्चों को आशीष कर रहा है, आपके बच्चे आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करने जा रहे हैं। आपके जो परिवार के लोग हैं वो मसीह यीशु को नहीं जानते, लेकिन मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह को जानेंगे, यीशु मसीह को जानेंगे, अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे। पिता इनके परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो मसीह को नहीं जानते मसीह को जानने पाए। रीटू रीटू आर आई टी यू रीटू परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, आपके घरों में भी प्रकार की समस्याएं कार्य कर रही है, आपके घर में कुछ जमीन जायदाद को लेकर लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है मैं उस झगड़े को मिटाऊंगा मिटाऊंगा जय तुझे दिलाऊंगा। यस परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर सारी समस्याओं से परमेश्वर निकाल रहा है और आपके बच्चों को आशीष कर रहा है, आपके बच्चे आगे बढ़ कर यस ओ रे सेखरे वे यस ओ बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। पिता इनके परिवारों को मैं आपके नाम से आशीष करता हूँ। सुरेश कर्ज में डूबा हुआ है, कर्ज में पड़ा हुआ है और जो भी कमाता है इधर से आता है और खर्च हो जाता है, परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे कर्ज के बंधनों से तुझे आजाद करूंगा, अपनी कमाई का दसवां अंश प्रभु के कार्य के निकाल, सारे कर्ज के जंजीरें यीशु के नाम में टूट रहे हैं। ओ रिसिख रे बे आमेन आमेन ओ हालेलुया हालेलुया। रानी रानी तेरे घरों में चंगाई दे रहा है, तेरे बिजनेस को बढ़ा रहा है, तेरे बिजनेस पे सफलता दे रहा है, जो तेरा बिजनेस ठप पड़ गया परमेश्वर उस बिजनेस को बढ़ा रहा है और तेरे जीवन में अपनी आंसुओं को प्रकट कर रहा है। इसी समय पे तम आशीष करते हैं। यस थैंक यू लॉर्ड। दीपिका दिनेश ओ हालेलुया पी आर एल एस टी के जे आई परमेश्वर इन सबों को आशीष दे रहा है, नौकरी की ब्लेसिंग दे रहा है, बच्चे की आशीष दे रहा है और तुम्हारे सारे जंजीरें टूट रही, हरियाणा से पंजाब से लुधियाना से और जो मुझे देख रहे हैं गुजरात से जबलपुर से इंदौर से भोपाल से छत्तीसगढ़ से और जो देख रहे हैं राजस्थान से यूपी से पटना से और यूके से कनाडा से और इससे खरे परमेश्वर आपके कामों को सफल कर रहा है। वीजा की ब्लेसिंग पीआर की ब्लेसिंग मिल रही है और जॉब की ब्लेसिंग मिल रही है, बच्चे की आशीष मिल रहा है और आपके जो शादी में रुकावट बधाए उस सबों से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है, आपके घर परिवार में परमेश्वर आंसुओं को भेज रहा है। इसी समय पिता इनका घर आंसुओं से भर जाए और इनके सारे काम आपके नाम से सफल हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। पिता परमेश्वर जो कर्ज में घिरे हैं हम प्रार्थना करते हैं पिता सारे कर्ज के जंजीरें टूटने पाए, सारे कर्ज के जाले फटने पाए और हर एक कर्ज के बंधनों से ये आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए। जो कर्ज की जाले है वो सारे कर्ज की जाले यीशु के नाम में टूट जाए और कर्ज के बंधनों से आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए। आबा राबा सिखा राबा हूला राबा रिका राबा रेकम जयम रेकम जयम। सारे कर्ज की जाले यीशु के नाम में फट जाए, सारे कर्ज के बंधनों से ये आजाद होने पाए पिता और एक कर्ज के बंधनों से जंजीरों से आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए। जो इनकी मेहनती कमाई कहीं रटका है पिता, कहीं फंसाए, कहीं इन्वेस्ट के किसी को दिए नहीं मिल पाया, मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी मेहनती कमाई मिलने पाए, जो रुकावटें बधाएं और वो सब दूर हो जाए पिता। ओ रिस सिखर जहाँ इनका पैसा फंसा इनको मिलने पाए पिता और आपकी महिमा प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर, हम आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं, इनकी कमाई को आशीष करते हैं पिता, इनके खत्तों को आशीष करते हैं पिता परमेश्वर, अपनी आंसुओं से आप इन्हें भरपूर करें, वो जो पैसे लिए उनका हृदय मन फिरने पाए और मेरे मन इनके खातों में होने पाए, हम आपके नाम से आशीष करते हैं। यस विश्वास करें परमेश्वर आपके जीवन में अपनी आंसुओं को प्रकट कर रहा है, आपके कामों को सफल कर रहा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम मेरे मन इनके खातों में हो जाए और आपकी महिमा प्रकट होने पाए। विनोद विनोद अरविंद ओ रिसिखरीवी रामा सिखा रावा हाले रीटा ओ हालेलुया। परमेश्वर आप लोग के जीवन में एक बड़ी आंसू को भेज रहा है, बड़ी आंसू को भेज रहा है। डॉली डॉली कल्पना जो मुझे झारखंड से और गुमला से देख रहे हैं,
जमशेदपुर से देख रहे हैं, परमेश्वर आप लोगों के लिए आरिशाई क्रम प्रकट कर रहा है, आपके जीवन में आशोक की बारिश कर रहा है, आपके काम को सफल कर रहा है। जो रास्ते आपके बंद हैं उन रास्तों को परमेश्वर ओपन कर रहा है और एक बड़ी आस से दे रहा है। जॉब की ब्लेसिंग आ रहा है, शादी में रुकावटें बधाएं उस सब दूर हो रही है और परमेश्वर आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। पिता हम आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं, अपनी आंसुओं से भर दीजिए। यस और ऋषि के झारखंड गुमला और जमशेदपुर देखने वाले परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, उसके पीछे चले। यस परमेश्वर आपके जीवन में आपके परिवारों में अपनी आंसुओं को प्रकट कर रहा है। पिता हम आपके नाम से इन सबों को आशीष की घोषणा करते हैं, आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए और आपकी आशीष से इनके जीवन में प्रकट होने पाए। पिता ओ ऋषि खेर भी हम प्रार्थना करते हैं, जितने भाई बहन लोग जॉब के लिए प्रार्थना करवाए पिता, ओ पिता एग्जाम दे के थक चुके हैं और पिता इंटरव्यू दिला के थक चुके हैं, सफलता नहीं मिल पाई पिता, जॉब इनको ब्लेसिंग नहीं मिल पा रही। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी रुकावटें बधाएं आ रही है वो सब दूर हो जाए पिता, जॉब की ब्लेसिंग मिलने पाए, जॉब की आशें मिलने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। पिता परमेश्वर हम आपके नाम से आशीष करते हैं, हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं पिता, अपनी आंसुओं से आप इन्हें भर दीजिए, जॉब की ब्लेसिंग प्रदान कीजिए पिता, योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक और पिता ऊंचे पदों पर आप इन्हें नियुक्त करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जो भी एग्जाम दिए सफलता मिल जाए, इंटरव्यू दिला के आए वहां से कॉल आ जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। यीशु के नाम हम इन्हें ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम हम इन्हें आशीष करते हैं, योग्यता से बढ़कर आपने जॉब की आशीष दिया धन्यवाद करते हैं। ज्वाइंट नहीं मिल पाया पिता, अटका हुआ है पेपर, इनका ज्वाइंट इनको मिल जाए आपके नाम से। और रे सेखरे वे जहाँ पेपर फंसा है पिता मिल जाए, पेपर पे साइन हो जाए, प्रमोशन हो जाए और इनकी सैनिक बढ़ोतरी होने पाए पिता। और पिता जो ट्रांसफर नहीं हो रहा ट्रांसफर हो जाए आपकी इच्छा के अनुसार पिता, अपनी आंसुओं से आप इन्हें भर दीजिए और चिंता परेशानी दुख दर्द से आप इन्हें आजाद कीजिए पिता। जॉब संबंधी कोई भी समस्याएं हैं वो सब आपके नाम से दूर हो जाए और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। मैं देख रहा हूँ आपके माता पिता का नौकरी है और आपको मिलने वाली है लेकिन मिल नहीं पा रहा है, रुकावटें बधाएं आ रही है। मैं कह रहा हूँ 2024 से परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है और आपको जॉब मिल रहा है। यस पिता रुकावटें बधाएं सब दूर हो जाए और आपकी आशीष से इनके जुड़े प्रकट होने पाए। हम आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं, हम आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं पिता। जिनकी शादी में रुकावटें बधाएं आ रही है वो सब दूर हो जाए पिता और 2024 में आप इन्हें पिता आशीष कर रहे हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। आगे बढ़ने में रुकावट जो बधाएं आ रही है वो सब दूर हो जाए और आपकी बड़ी आशीष से इनके ऊपर स्वर्ग से प्रकट होने पाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये आशीषित हो जाए पिता। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। जिनका सालगिरह है पिता मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जब से आपने जुड़ा अब तक आपने संभाला और एक नया साल दिया, हम धन्यवाद करते हैं। ये नया साल इनके इनके परिवारों के लिए आशीष का साल ठहरने पाए, मार्ग खुलने का साल ठहरने पाए, आगे बढ़ने का साल ठहरने पाए, आप में आगे बढ़ने का साल ठहरने पाए। इस नए साल को हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं। जिनका जन्मदिन है बर्थडे है पिता उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। जन्म से पिता आपने संभाला और एक नया साल दिया पंडिल डॉल में, अभी तक आपने आगे बढ़ाया, हम धन्यवाद करते हैं। ये नया साल पिता आशीषों का साल ठहरने पाए, अपन डील डॉल में आगे बढ़ाइए, आप में आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा और सहायता प्रदान कीजिए और हर एक आशीषों से आप इन्हें भर दीजिए। छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें बल बुद्धि ज्ञान से भरपूर करें और शैतान की जालों से आप उन्हें बचाए रखिए। यही प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। रीमा रा सिखा राबा हूलाबा रिकराबा रेकम जयम, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। महिमा हो राजा यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु ने कहा है, करता हूं मैं तेरे चिंता, तू तो क्यों चिंता करता है? आज ही अपना बोझ अपनी चिंता परमेश्वर के हाथों में दे दो, वो तुम्हारे लिए कार्य करेगा, तुम्हारे मार्गों को खोलेगा, बंधनों को तोड़ेगा और तुम्हारे जीवन में अपनी आंसुओं को भेजेगा। पिता आपने इन सबों को आशीष किया, हम धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में चलिए, घर के चारों तरफ मैं शुक्ल हूँ बाड़े बांधता हूँ, वहां जो भी समस्या परेशानी चिंता सब बाहर जाए, समस्याएं बाहर जाए, रास्ते खुल जाए, बंधन टूट जाए। जितने लोग प्रार्थना निवेदन भेज रहे पिता, इनकी प्रार्थना स्वर्ग में गहन योग होने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। दिन भर कार्य में अगुवाई करें, आने जाने में सहायता करें, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान करें और आज के दिन जितने रिपोर्ट आने वाले सारी रिपोर्ट न माने पाए। इन सबों को आपने आशीष किया, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में,
पिताजी आज शीश मांगते हैं, शुद्ध आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय, हालेलुया। विश्वास करिए, प्रार्थना और ये वचन ये शब्द मेरे लिए है। बाइबल कहती है विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। तो जब हम विश्वास करेंगे तो अपने जीवन में हम प्रभु की महिमा को होते हुए हम देखेंगे। प्रियो को सिर कहे ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।